दोस्तों अगर आप भी ग्रो एप्लीकेशन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है। इससे पहले आपको ये बता दूं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ता है। सबसे पहले आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट, इन चारों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो पहले आप आधार कार्ड से अपने मोबाइल नंबर को लिंक करा लीजिए चॉइस सेंटर में जाकर के। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो आगे का प्रोसेस देखते रहिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू ग्रो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आपका ग्रो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद आपको यहीं से ओपन कर लेना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपका ग्रो एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। स्टार्टिंग में आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। आपको यहाँ पर कंटिन्यू विथ गूगल पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट या फिर पिन सेट कर लेना है ग्रो एप्लीकेशन के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट सेटअप पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, फिर OTP आएगा उसको डाल करके वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर इंटर करना है और पैन नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद ये आपसे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पूछेगा। अगर आप शेयर मार्केट में पहली बार आ रहे हैं तो आप यहाँ पर नो एक्सपीरियंस पर क्लिक कीजिए। अगर आप पहले से ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन डाल के नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने बोलेगा। आप यहाँ से अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको IFSC कोड सर्च कर लेना है। IFSC कोड सर्च कर लेने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई बैंक अकाउंट बोलेगा, मतलब यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है और वेरीफाई बैंक पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर KYC डिटेल्स फिल करना है, ऑक्यूपेशन, इनकम और मदर फादर का नाम डाल करके आपको यहाँ पर नीचे सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ओपन कैमरा पर क्लिक करना है और एक सेल्फी लेकर के अपलोड कर लेना है। इसके बाद आपको वाइट पेपर में अपना सिग्नेचर करना है और उसको अच्छे से एक क्लियर फ़ोटो यहाँ से क्लिक करना है। कैमरा पर क्लिक करके आप एक फ़ोटो अपलोड करेंगे यहाँ से अपने सिग्नेचर का। इसके बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर ही एक ई साइन करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल फ़ोन पर एक सिक्योरिटी कोड सेंड किया गया है, उसको यहाँ पर इंटर करके सबमिट कर लेना है। इसके बाद आपको साइन नाउ पर क्लिक कर देना है नीचे की तरफ। साइन नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर NSDL की साइट पर लेके आएगा। यहाँ पर आपको अपना वर्चुअल ID या फिर आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर डालना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। जो मोबाइल नंबर लिंक है आपके आधार से वहाँ पर OTP आएगा और सेंड OTP पर क्लिक करना है। अब आपका कॉन्ग्रेचुलेसन मैसेज आ गया है, आपका डीमेट अकाउंट रेडी हो गया है। अब 24 आवर तक का आपको वेट करना है एक्टिवेशन के लिए। एक्टिवेट हो जाने के बाद आप यहां से अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा कि डीमेट अकाउंट ओपन करना कितना आसान है, पूरा चीज पेपरलेस है, तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन जरूर कर लेना चाहिए और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी जल्द से जल्द स्टार्ट कर लेना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।